अच्छा ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर दे दिया, मुझे नहीं दे सकती बाकी सबको। तो आज अनमोल सबको क्या दिखाने लगी है? एक चीज दिखाने लगी है। हाँ। तो मुझे स्कूल से मिली है। स्कूल से सबसे पहले अपना हेयर स्टाइल तो दिखाओ मुझे। ये देखें, आज अनमोल ने मेरे से ये वाला हेयर स्टाइल बनवाया, पूरे बालों में कैसी चुटिया कर दो। और सुबह मुझे टाइम नहीं मिला अनमोल की स्टोरी बनाने का, तो अब मुझे टाइम मिला और अनमोल आज आपको एक चीज दिखाएगी। चलो इसको ओपन करके दिखाओ जो अनमोल को स्कूल से मिली है। जल्दी से ओपन करो, ऐसे करके यहाँ से निकालो। अनमोल क्या लेके आई आज स्कूल से? स्पेशल चीज है। स्पेशल है? जल्दी करो ना, स्टोरी लेट हो रही है, जल्दी करो। ये देखो आज अनमोल का स्कूल में थी जी एक्टिविटी, बेक सेल की, खाना लेके गई थी डिश बना के, और इसने सेल की है। और इसने कितने पैसे कमाए हैं आज? 400। ये देखें जी, अनमोल अली 380 रुपीज, यम्मी रोल्स, रोल्स लेके गई थी। और उसके अलावा 380 अनमोल ने आज पैसे दिए है ना। और अनमोल, और मम्मा मेरे पास ना ज्यादा पैसे हो गए थे, इस वजह से ना मैंने ना एक बच्चे से पेस्ट्री ली। कितने की? 100। अच्छा जी, अनमोल ने ली थी 100 की पेस्ट्री, उसके बाद अनमोल के पास बचे 380 रुपीज। तो अनमोल आपको कैसा लगे आज आपने ना खुद चीज बेच के पैसे लिए हैं, कैसा फील हुआ आपको? मजा आया। रोल दी है इसने बच्चों को और पैसे कमा के आई है आज। देखें जरा, ये एक्टिविटी थी इसके स्कूल में आज, और अपने पैसे पकड़ के इतनी खुश है कि मैंने पैसे लिए हैं, बस मैंने पैसे कमाए हैं ये। अब इन पैसों को क्या करोगी? इस पे मामा की मेहनत थी, मामा ने बना के दिए थे आपको सुबह सुबह उठ के। मुझे नहीं दोगी? 50-50 कर ले। नहीं, हाफ पैसे आपके, हाफ मेरे। चलो, एक 2000 years later। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है वो है शॉपिंग पैलेस का। तो अगर आपके ड्रेस अच्छा लग जाए तो इनके पेज का लिंक मैं मेंशन कर रही हूँ, वहाँ जाके आप भी ऑर्डर कर सकती हैं। और अगर आपके दुपट्टा पसंद आए हैं, इस तरह के और दुपट्टे आप चाहती हैं डिजाइन करवाना, तो इनके पेज पे जाएं और वहाँ डीएम करें। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? आए हो लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़ी शेफ और मेरी डियरेस्ट फ्रेंड आमना के पास। तो पिछले मतलब एक साल के बाद हम आकर स्टोरीज बना रहे पूरे एक साल के बाद, और वो भी हमें मौका मिला किचन में काम करते हुए। तो मैंने कहा कि भाई वैसे तो दूसरी स्टोरीज बनती रहती हैं बहुत ज्यादा आमना के साथ, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन किचन में फर्स्ट टाइम आमना के साथ मैं खड़ी हूँ और बातें भी हो रही हैं, और बस हाल हवाल सारा कुछ पूछा जा रहा है। तो कैसी है? यहाँ पे पहले हम आयशा से भी मिलिए। आपका कह रहे आयशा से मिली से किचन में आए। हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, क्यों आमना? मैं तो पिछले एक साल से कह रही थी। अब्दुल्ला, मैंने बोला था कि मैं जरूर इंशाल्लाह किचन विद आमना के सेट पर जाकर एक रेसिपी लाजमी शूट करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ मिलिए जी मोमना से। और इतनी प्यारी हो गई क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों वाली माँ है, तो उनका यही हाल होता है बच्चों वाली माँ का। और मोमना यहाँ पर रेडी करी है सबके लिए दही बूंदी, हम सबका फेवरेट। और यकीन मानो, हम स्पेशली मैं, बाकी सबका मुझे नहीं पता, लेकिन स्पेशली मैं जब भी आती हूँ मैं सिर्फ यहीं की दही बूंदी खाती हूँ। मैंने आज तक बाहर से या कहीं से भी दही बूंदी नहीं खाई है, सीरियसली। आमना, मैंने आज तक बाजार में भी किसी फेमस भी रेस्टोरेंट में जाकर दही बूंदी नहीं खाई, मैंने हमेशा खाई है तो यहाँ पर ही खाई है। बूंदियाँ अच्छी हैं, नहीं टेस्ट। और इस टाइम पर आयशा जो है वो स्टोरीज की एडवाइस भी दे रही है, और जो है ना सबकी हेल्प भी करवा रही चीजें इधर उधर रखने में। आयशा ऑर्डर देती है, ऑर्डर देती है, मुझे नहीं दे सकती बाकी सबको देती है। भाई भी कह रहे हैं कि वो मुझे ऑर्डर देती हैं, बट ऑर्डर ही दिया। लेकिन आयशा ने कहा बड़ी स्लिम ऑर्डर दी है ना, क्योंकि मुझे लगती नहीं बड़ी। हाँ, वो लगती नहीं बड़ी, 15 साल बड़ी है, लेकिन मैं ऑर्डर देती हूँ जो मुझे पता है कि मेरा कुछ बात सुन सकते हैं, इसलिए मैंने कभी ऑर्डर नहीं दिया। नहीं, वो भाइयों को बहने करती लड़ती करती रहती हैं। चले जी, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक पहुँची है।
यहाँ पर जी हम सब खाना खा रहे हैं और मोमना बहुत जबरदस्त स्पेशल मेन्यू है और बहुत ही डिलीशियस खाना है माशाल्लाह से। टेबल में चार चांद लग गए हैं नान और यहाँ पर हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर जी हमारी बर्थडे गर्ल भी हमारे साथ बैठी हुई है। आपको पता है अपने नानों के साथ एक स्टोरी बनानी है आज। अच्छा तो यहाँ पर जी हम सब खाना खाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं खुद आंसर दूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि आप पे ये कलर, ये हेयर स्टाइल, मेकअप सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच कि आपको सब कुछ पसंद। नेक्स्ट, वेरी स्टाइलिश एंड अप टू डेट एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। फिर वही, लुकिंग सो नाइस, डिसेंट एंड एलिगेंट, माशाल्लाह। इतनी तारीफें आप कर रहे हैं, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, पर आप लोगों को इतना अच्छा लगा ये मेरा लुक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको एक कजन से मिलवाती हूँ। बहुत से कजन से आप मिल चुके होंगे, पर एक है जो मेरी स्टोरी में कभी नहीं आए, वो हैं ये देखें जी, बाबर एंड और उनकी वाइफ साहिबा। तो क्या बोलूं, तो ये मुझे बताते हैं कौन सी मेडिसिन ले जब ये फीवर होता है। अभी मुझे ना एक चीज की बड़ी एक बड़ी जरूरत है, मुझे एक चीज है, मैंने आपसे कहना था पर मैं कैसे याद बताऊंगी। ठीक है, तो इनके इंस्टाग्राम पे आईडी है, जल्दी से जाके फॉलो करें प्लीज इनकी आईडी को, लगा देंगे हम। वैसे भी आप इनके प्रैंक देखे होंगे, क्या जबरदस्त एक्टिंग करते हैं आप, मुझे तो बहुत पसंद है आपका प्रैंक। आप ज्यादा प्रैंक किया करें प्लीज, आप मेरे साथ कर ले। करूंगा इंशाल्लाह, मुझे मैंने सोचा होगा बताना नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा होगा लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, ठीक है, चलें।